तो अब हम सीखेंगे कि खाद्य पदार्थों में मंड का परीक्षण कैसे करते हैं। जो भी खाने की सामग्री है मंड, या इसे स्टार्च भी कहते हैं और इसे कार्बोहाइड्रेट्स भी हम कह सकते हैं, कि खाने में भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स का परीक्षण हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो भोजन है हमारे पास, जो खाने की सामग्री है, उसको देखेंगे हम कि हमने उसको लेना है पहले, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले हम क्या ले, हमारे पास एक तो खाद्य सामग्री होनी चाहिए जिसमें हमने देखना है कि उसमें मंड है या नहीं। फिर हमारे पास तनु आयोडीन विलयन होना चाहिए। तो ये दो चीजें अगर हमारे पास हो होंगी तो हम पता लगा सकते हैं कि भोजन में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं। तो उसके लिए देखते हैं, अगर हम उसके ऊपर जो भी खाने की सामग्री है जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स का पता लगाना है, अगर हम उसको के ऊपर आयोडीन की दो या तीन बूंदें डाल देते हैं, तो अगर उसका रंग, खाद्य पदार्थ का रंग कैसा होगा, अगर वो नीला या काला पड़ जाता है, तो हम कहेंगे कि उसमें मंड उपस्थित है, उसमें मंड या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, इसमें बच्चे ये कर रहे हैं मंड का परीक्षण। चित्र में आपको दिखा देते हैं। तो चित्र में देखो क्या कर रहे हैं बच्चे। तो इसमें आपके पास है, ये आलू लिया उन्होंने, आलू को चाकू के साथ काट दिया पहले। अब जो कटा हुआ भाग है उसके ऊपर इन्होंने, ये आयोडीन है, तो इन्होंने आयोडीन की बूंदे ये ड्रॉपर की सहायता से इसके ऊपर डाली। तो जहाँ पर ये आयोडीन की बूंदे डाली तो इसका रंग जो है या तो नीला हो जाएगा या काला हो जाएगा, अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है। तो जब हम आलू के ऊपर ये डालते हैं तो वो हो जाता है उसका रंग नीला या काला, तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अगर हमें चावल में या गेहूं में भी देखना है तो उसको पहले बारीक पीसना पड़ेगा और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा, पेस्ट बनाना पड़ेगा उसका पहले, फिर उसमें आयोडीन की बूंदें डालेंगे और उससे भी रंग आ जाता है ये काला या नीला रंग। तो इसलिए ये मंड का परीक्षण हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं प्रोटीन कैसे पता लगाते हैं, प्रोटीन है या नहीं भोजन में, जो हम भोजन खाएंगे उसमें प्रोटीन है या नहीं, तो ये पता लगाना है हमने इसके भोजन में प्रोटीन है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी खाद्य सामग्री ली है, जो भी खाद्य पदार्थ लेंगे जिसमें परीक्षण करना है हमने कि उसमें प्रोटीन है या नहीं, तो उसका क्या करेंगे, हम पेस्ट बना लेते हैं या चूर्ण बना लेते हैं हम। जैसे सपोज करो हमने दालों में प्रोटीन होती है, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है और पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल लेते हैं। इसमें डाल लेंगे, एक परख नली में डाल लेते हैं और उसमें 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने खाद्य सामग्री ली, उसको पीस लिया, बारीक कर लिया, उसका चूर्ण बना लिया और फिर हमने उसको एक साफ परख नली में डाल दिया और उसके अंदर कुछ बूंदे पानी भी डाल दी हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हमने करना है, आपके पास है, क्या करना है उसके बाद, तो ये देखो बच्चा क्या कर रहा है अब। तो उसमें क्या करना है, ये देखो ड्रॉपर की सहायता से इसने परख नली में लिया है,
ठीक है बच्चों। तो ये परख नली है जो हाथ में ली हुई है इसने कांच की, और इसके अंदर इसने जो खाद्य सामग्री है वो ले ली है, उसको बारीक कर लिया, उसमें पानी मिलाया, फिर उसके अंदर उसने ये कॉपर सल्फेट चाहिए और कास्टिक सोडा चाहिए, दो चीज़ें हमें चाहिए इसके लिए, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में दो बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन मिलाना चाहिए। पहले हमने 2 बूंद कॉपर सल्फेट की इसमें डालनी है, ठीक है, अंदर डाल देंगे इसके, और फिर उसके अंदर 10 बूंद कास्टिक सोडे की डाल लेंगे, और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे और कुछ मिनट के लिए इसको परख नली को रख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको कुछ समय के लिए फिर रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट मिलाया और इसको कुछ समय के लिए रख देते हैं। तो रखने के बाद क्या होगा, इसमें देखेंगे तो अगर इसमें रंग जो है बैंगनी हो गया, अगर इस विलयन का रंग कुछ समय के बाद बैंगनी हो जाता है, तो बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। तो इस तरह से हम खाद्य सामग्री में प्रोटीन का पता लगा सकते हैं। अगर हमें जो भी खाद्य सामग्री ली उसमें प्रोटीन का पता लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ी मात्रा उसकी लेंगे, उसको बारीक चूर्ण बना लेंगे, उसको परख नली में डालेंगे, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं उसमें डाल देंगे, या किसी अगर परख नली नहीं है कांच के गिलास में डाल लेते हैं। चलो तो कांच के गिलास में हमने चूर्ण डाल दिया, जैसे दाल है दाल का चूर्ण बना के उसको कांच के गिलास में डाल लेंगे। फिर उसके बाद उसमें हमने पानी मिलाना है थोड़ा, फिर उसके बाद ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डालनी है और 10 बूंद कास्टिक सोडे की डालनी है। तो अगर कुछ समय के बाद वो बैंगनी रंग का हो जाता है तो उसमें प्रोटीन है, और यदि नहीं होता तो उसमें प्रोटीन नहीं है। तो दालों में यह रंग आ जाता है, तो दालों में जितनी भी दालें हैं, जैसे हमारे पास चने की दाल है या दूसरी दालें हैं, उनमें प्रोटीन होता है। फिर है वसा का परीक्षण, क्या होता है वसा का परीक्षण, तो वसा का परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं। वसा होता है जैसे तेल होता है, घी होता है, तो उसमें वसा होता है। जैसे अगर हम ब्रेड खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं या चिप्स खा रहे हैं, तो हमें पता होगा कि उसमें वसा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, वो बहुत आसान है, आप भी कर सकते हो, उसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर, उसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर अच्छी तरह से दबाएं, ठीक है। या जैसे बादाम है, मूंगफली है, अगर उनमें वसा का परीक्षण करना है, तो अगर हम उसको कागज में लपेट के और उसको कूट सकते हैं, दबा सकते हैं, तो अगर उसके ऊपर तेल का धब्बा आ जाता है तो उसमें वसा है, और अगर नहीं आता तो नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आपने ये सारणी बनानी है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व, यानी कौन से खाद्य पदार्थ से हमें कौन सा पोषक तत्व मिलता है, तो ये आपने सारणी बनानी है। तो ये सारणी में देखो आलू, तो जो आलू है, जैसे आलू में मंड होता है तो यहाँ हाँ लिख दिया, इसमें प्रोटीन और वसा नहीं होता तो यहाँ इसने खाली छोड़ दिया। तो जिसका जो हाँ है तो वो लिखना है, जैसे मूंगफली में वसा है, दूध में प्रोटीन होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट्स या मंड होता है, पका हुए चावल में भी होता है ये, तो ये आपने लिखना है। सूखा नारियल है, जैसे इसमें वसा होता है, ठीक है। अरहर दाल है, दाल के चूर्ण में प्रोटीन होती है, तो ये आपने पूरी
ये सारणी है जो आपने पूरी बनानी है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में इन्हीं पोषक तत्वों के बारे में हम करेंगे। अभी आपको मैं ये चित्र दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो किन किन पदार्थों को खाने से हमें मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं। जैसे ये, अब जैसे ये है, ये आपके पास चित्र है पूरा, तो इसमें चावल खाएंगे, बाजरा, गेहूं, गन्ना, शकरकंदी, आलू, पपीता, तरबूज, आम और मक्का। अगर हम इन चीज़ों को खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हमें ये चित्र आप देख रहे हो, इसमें सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल, मूंगफली है, जैसे गिरी है, सोयाबीन है या तिल है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं, जैसे ये है, आपके पास दूसरा चित्र है, घी, क्रीम, दूध, मक्खन, घी, मांस, मछली। तो ये सभी जो है वसा के हैं, इनसे हमें वसा मिलता है। अगर हम इन चीज़ों को खाते हैं तो हमें इनसे वसा मिलेगा। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाले थे, ये वाले जो हैं हमें पादपों से, पेड़ पौधों से मिलते हैं, तो इन्हें हम पादप वसा उत्पाद कहेंगे, या वसा के स्रोत हैं जो पादप उत्पाद हैं। और ये सभी हमें जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है, तो ये जंतुओं से मिलते हैं, जैसे मक्खन है, ये दूध से बनता है, जंतुओं से, घी भी दूध से बनाते हैं, मांस मछलियों से या जंतुओं से अंडे मिलते हैं, तो ये जंतु स्रोत कहलाते हैं। वसा के स्रोत हैं ये, एक पादप स्रोत और एक जंतु स्रोत हैं। फिर उसके बाद है आगे, ये भी सभी आपके पास स्रोत हैं। जैसे ये चित्र आप देख रहे हो, ये प्रोटीन के स्रोत हैं सारे, सोयाबीन है, राजमा है, दाल है, मूंग है। ठीक है, और ये चना है, ये मटर है, और अगले चित्र में दिखाएंगे आपको ये भी जंतु। ये ऊपर वाले तो पादप थे और ये जंतु उत्पाद हैं जो जंतुओं से मिलेंगे, और ये प्रोटीन के स्रोत हैं। कौन से हैं ये? प्रोटीन के स्रोत हैं ये। ठीक है बच्चों, तो प्रोटीन के स्रोत कौन से हैं देखो, तो ये दोनों प्रोटीन के स्रोत हैं, ये जंतु, ये पादप उत्पाद हैं जो पेड़ पौधों से हमें मिलती हैं दालें, और ये जंतु उत्पाद हैं। ये सभी प्रोटीन मिलेगी अगर हम इनको खाएंगे, तो इनसे हमें प्रोटीन मिलती है। फिर उसके बाद विटामिन के स्रोत हैं, तो ये विटामिन ए अगर हमें चाहिए तो हमें ये खाना पड़ेंगे, दूध पीना पड़ेगा, मछली का तेल, ये पपीता, गाजर। तो अगर पपीता, गाजर, आम, ये चीज़ें अगर हम खाते हैं तो हमें विटामिन ए मिलता है, और उससे हमारी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। ठीक है, विटामिन ए, अगर किसी को आंखों की दिक्कत रहती है तो उसे विटामिन ए, यानी पपीता खाए, गाजर खाए, आम खाए, दूध पिए, तो उससे अच्छी रहेगी उसकी आंखों की रोशनी। और विटामिन बी हमें इनसे मिलता है, गेहूँ, यकृत, ये मांस होता है, और ये चावल विटामिन बी के स्रोत हैं ये। अगर हमें विटामिन बी ना मिले तो हमें बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, और इसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको। फिर उसके बाद है आपके पास ये विटामिन सी, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, टमाटर है, नींबू है, आंवला है, अमरूद है, संतरा है, ये सभी विटामिन सी के स्रोत हैं। ठीक है, और ये विटामिन डी के स्रोत होते हैं, मक्खन, दूध, ये विटामिन डी के स्रोत हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, धन्यवाद।
जय हिंद।